बताने जा रहा हूँ एक सफल ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर बनने के कौन से ऐसे निशान होते हैं जो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो वह सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, पामिस्ट बन सकता है, टैरो कार्ड रीडर बन सकता है या ऐसा ही कुछ भी जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों का ज्ञान उस व्यक्ति को हो सकता है। तो सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ कुछ मेन लाइनें ताकि क्लियर हो सके आपको। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, यह जो लाइन है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, कुछ इस तरह से चलती है हाथ में, और यह जो लाइन है इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है यानी कि माइंड की लाइन, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है हृदय रेखा यानी कि हार्ट की लाइन। यह तीन लाइनें नॉर्मली इसी तरह से होती हैं। तो अब बात करने जा रहा हूँ ज्योतिष या तंत्र मंत्र के ज्ञान के चिन्हों की। तो बहुत सारे कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनमें से कोई चिन्ह होने से, एक चिन्ह भी होने से व्यक्ति सफल ज्योतिषी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है यानी कि त्रिकालदर्शी हो सकता है। तो सबसे पहला चिन्ह है यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह होना। ऐसा चिन्ह होने से, यहाँ पर शनि की उंगली के इस पोर के ऊपर ऐसा स्टार का चिन्ह होने से व्यक्ति के अंदर तंत्र मंत्र सीखने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है, और ऐसा व्यक्ति कष्ट भोग कर भी यह कला सीखता है और इसमें आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक चंद्र क्षेत्र पर यदि एक धनुष के जैसी रेखा निकलकर मणिबद्ध तक जाए, यानी यह जो नीचे का एरिया होता है, मणिबद्ध का एरिया होता है जिसको, जिसके नीचे मैं ये तीन लाइनें ड्रॉ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अगर किसी के हाथ में यहाँ पर कोई रेखा निकलकर, यहाँ से कोई रेखा ऐसे गुलाई में निकलकर धनुष जैसी यहाँ तक जाए, तो यह भी एक योग बनाता है एक तरह से, और जिसको हम कह सकते हैं ज्योतिषी होने का। और अगर इसके साथ साथ इसके अंदर एक अच्छा त्रिभुज का या स्क्वायर का चिन्ह भी हो तो यह और भी व्यक्ति सफल ज्योतिषी बन सकता है। और इसके बाद एक योग है, यदि किसी के हाथ में, यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, बुध, शनि और चंद्रमा, यहाँ पर तीन माउंटों की बात की गई है, तीन माउंट्स, एक यह वाला माउंट है शनि का, यह बुध का है और यह चंद्र का है, यह तीन एरिए दबे हुए ना हो, उन्नत हों, और भाग्य रेखा के पास एक त्रिकोण या एक स्क्वायर का चिन्ह बनता हो तो भी यह, यानी यह भाग्य रेखा होती है, तो इसके आसपास कहीं पर भी एक त्रिकोण का चिन्ह ऐसे बन रहा हो या स्क्वायर का चिन्ह बन रहा हो इसके साथ बिल्कुल, तो और साथ में ये तीनों माउंट, यह जो माउंट थे शनि का, गुरु बुध का और चंद्र का, यह विकसित हों तो भी व्यक्ति एक त्रिकालदर्शी हो सकता है और काफ़ी अच्छी उसको नॉलेज हो सकती है ज्योतिष की और इस तरह के ज्ञान की। इसके अलावा यदि मस्तिष्क रेखा पतली तथा लंबी होकर चंद्र पर्वत पर पहुँचे, यहाँ पर जो ये लाइन है, एक बार आपको दोबारा से बनाकर दिखाना चाहूँगा, यह लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो और पतली सी लाइन कुछ इस तरह से नीचे को झुककर चंद्र माउंट तक पहुँच रही हो तो भी यह योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन पावर आ जाती है, इमेजिनेशंस आ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ज्योतिषी और यह कह सकते हैं कि त्रिकालदर्शी हो सकता है और उसको इस तरह का ज्ञान होना स्वाभाविक है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह दूसरों के मन की बात पढ़ने में या बिना पूछे दूसरों के मन की भावना जानने में सक्षम होता है। और पढ़े लिखे ज्योतिषियों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में ऐसी रेखाएँ होती हैं, और वह जैसे साधु होते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखाएँ होती हैं, वह भी दूसरों के मन की बात पढ़कर ऐसे ही बता देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो शनि की उंगली है, इसके जो बीच वाला पोर है, यह नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि यह जो पोर है इसका साइज़ ज़्यादा होगा, इसमें स्पेस ज़्यादा होगी पहले और लास्ट पोर की उससे कंपैरेटिवली। तो ऐसे लोगों के अंदर दूसरे के मन की बात जानने की काफ़ी ज़्यादा एक तरह से गुण होता है। और अगर किसी के हाथ में मिस्टिक क्रॉस पाया जाए, मिस्टिक क्रॉस यहाँ पर एक क्रॉस बनता है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, कुछ इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनता है, इसको मिस्टीरियस क्रॉस या मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। जिनके हाथ में इसको इस तरह की दैव्य रेखा पाई जाती है, कहने का भाव है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत होती है और ऐसे व्यक्ति एक सफल और प्रसिद्ध ज्योतिषी बनते हैं। बुध की कनिष्ठा उंगली प्रथम पोर पर तीन खड़ी रेखाएं हों, कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ ज्योतिषी ज्योतिष के बारे में, यहाँ पर अगर तीन खड़ी रेखाएं हों तो भी व्यक्ति ज्योतिष में जा सकता है। और इसी उंगली के बीच में दूसरे पोर पर त्रिभुज का चिन्ह हो,
यहाँ पर अगर ऐसा त्रिकोण का चिन्ह हो तो भी ज्योतिष में जाने के चांसेस बनते हैं। शनि की दूसरी उंगली का जो बीच का पोर है उस पर त्रिभुज का चिन्ह हो, यहाँ पर अगर बीच वाले पोर के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह हो तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और बुध की उंगली के प्रथम पोर पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो, यानी यहाँ पर जो मैंने तीन लाइनें बनाई हैं, एक बार मिटाकर बनाकर दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के साथ साथ तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी होता है, यानी कि जिसको आप हम कह सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है तांत्रिक सिद्धियों का, तो ऐसा कुछ बनता है जिसके कारण व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है और फेमस भी हो जाता है। तो यह कुछ चिन्ह थे जिनमें से मुख्य जो चिन्ह थे जो मैंने आपको बताए, एक तो माइंड की लाइन का नीचे की तरफ झुकाव होना, यह सबसे ज़रूरी होता है, और दूसरा यहाँ पर मिस्टिक क्रॉस का होना, और उसके बाद जो यहाँ पर किसी के स्टार हो, स्टार का चिन्ह हो, यह कुछ खास चिन्ह है जिनकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी सफलता मिलती है एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, और साथ ही साथ अगर बात की जाए टैरो रीडिंग या किसी भी तरह का, इसको इंट्यूशन पावर कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। तो यह कुछ चिन्ह थे ज्योतिषी बनने के, एस्ट्रोलॉजर बनने के। तो यदि आपका इंटरेस्ट है इस लाइन में तो अपना हाथ आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी एक चिन्ह मौजूद है तो आपके पास संभावना है इस क्षेत्र में जाने की और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।